हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पूजा तिवारी ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सभी को सावन महीना चल रहा है तो हर हर महादेव। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़रूरी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। जो हमारी सिस्टर्स हैं, हमसे बड़ी हैं, हमसे छोटी हैं, और आंटी, भाभी, जो भी हो, दादी, सबके लिए ये वीडियो है। क्योंकि मैं जो शेयर करने वाली हूँ वो सभी सुहागन औरतों के लिए हैं। सावन का महीना माना गया है, हरियाली का महीना है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है, और भोलेनाथ को हरियाली काफ़ी पसंद है फ्रेंड्स। और इसी महीने में सारे व्रत आते हैं हमारे हिंदू धर्म में, जितने भी व्रत होते हैं, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही अच्छा माना गया है, बहुत ही शुभ होता है। भोलेनाथ का दिन है, एक महीना पूरा भोलेनाथ का दिन रहता है। हर दिन अच्छे होते हैं, हर दिन शुभ होते हैं, इसमें कुछ भी देखना नहीं है, समझना नहीं है, तो सब कुछ अच्छा होता है। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि सावन महीना लगते ही हरियाली का एकदम से बहार आ जाता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो सावन महीने में सभी को हरी चूड़ियाँ तो पहनना अनिवार्य है और ज़रूरी भी है, पहनना चाहिए। तो मैं कब से वीडियो लाने वाली थी आप लोगों के बीच में, और बना के भी रख दिया था बट अपलोड नहीं कर पाई थी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। काफ़ी लोगों को इस बारे में जानकारी होगी, सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए, अच्छा होता है, शुभ माना गया है। हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी भी पहनिए, सावन भर आप हरी साड़ी भी पहनेंगे तो अच्छा है। तो मैंने लिया हुआ है चूड़ियाँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चूड़ी मैं ला चुकी हूँ, वो मैं पहनने वाली हूँ, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए, मैंने मेरे लिए चूड़ियाँ ला ली हैं, वही मैं पहनने वाली हूँ। तो देखिए, मेरी चूड़ियाँ कुछ इस तरीके से हैं, चूड़ी और कड़े दोनों। देखिए, अभी मैंने रेड कलर की डाली हुई है, अभी मुझे ग्रीन वाली डालनी है। देखिए, कुछ इस तरीके से है। और प्लेन भी हमने लाई हुई है, तो प्लेन तो मैं नहीं पहनने वाली हूँ, इस टाइप की प्लेन है तो प्लेन नहीं पहनने वाली हूँ, ये कूटी वाली ही पहनूंगी मैं। तो ये थोड़ा देखिए कुछ इस तरीके से है, काफ़ी खूबसूरत है, तो मैं ये पहनने वाली हूँ आज। तो दोनों हाथ का तो सबसे पहले दाहिने हाथ में पहनते हैं, और दोनों हाथ खाली नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब है। तो एक में पहन लेंगे पहले, फिर उसके बाद दूसरा निकालेंगे, क्योंकि दोनों हाथ खाली करके चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। तो मैं पहले दाहिने हाथ में पहन लूँगी, उसके बाद बाएं हाथ में पहनूँगी। तो मैं मेरे नाप से ही लाई हूँ, 2-8 की साइज़ है, तो मैं मेरे नाप से ही लाई हूँ, तो मुझे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स की क्रीम, साबुन वगैरह ये सब कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे नाप का ही है तो मुझे हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पहन लूँगी मेरी चूड़ियाँ, देखिए ग्रीन कलर की मैंने पहन ली, और सेम ही मैं दूसरे हाथ में भी पहन लूँगी। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। वैसे तो सबको जानकारी होगी, मगर अगर किसी को नहीं जानकारी हुई तो हो सकता है मेरी जानकारी की वजह से उन्हें पता चल जाए, तो वो भी पहन लें। तो बस मेरा यही इरादा था आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने का। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बताइएगा ज़रूर। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली हैं, तो वैसे भी हरा कलर काफ़ी अच्छा है, देखिए मैंने पहन लिया हुआ है, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने फाइनली चूड़ी पहन ली है, और साड़ी तो मैंने रेड कलर की डाली हुई है, आप लोग साड़ी ग्रीन भी पहन सकते हैं, मैं अक्सर पहनती हूँ वैसे तो ग्रीन, बट ये आज मैंने रेड डाली हुई थी।
तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये छोटा सा ब्लॉग, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन कौन ग्रीन कलर की चूड़ी पहना है सावन के महीने में। मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव।